गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो नंबर 27 में आपका स्वागत है। विषय जीव विज्ञान क्लास 12। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक परिपक्व पराग कण की स्ट्रक्चर की संरचना के बारे में अवगत कराया। तो एक परिपक्व पराग कण सूक्ष्म गोलाकार द्विपरतीय लगभग 25 से 50 से माइक्रोमीटर व्यास की एक बड़ी संरचना होती है जो निम्नलिखित तीन भागों से मिलकर बनी होती है, बाह्य चोल, अंत्य चोल और जनन छिद्र। बाह्य चोल और अंत्य चोल के बारे में हमने आपको अध्ययन करा दिया था। इसका जो तीसरा भाग आता है वो है आपके जनन छिद्र। ध्यान दीजिएगा, जनन छिद्र जर्म कोर, जर्म कोर स्ट्रक्चर एक बार दोबारा देखें बोर्ड पर। ये लगभग गोलाकार द्विपरतीय संरचना क्या होता है, पराग कण होता है। ये तीन जनन छिद्र होते हैं। ये बाह्य चोल कैसे होती है, दृढ़ और कठोर अलंकृत खुरदरी स्ट्राइप होती है, ध्यान देना। ये होते हैं जनन छिद्र ये होती है बाह्य चोल इसे बोलते हैं एक्साइन इसे बोलते हैं जर्म कोर। और ये वाला जो पार्ट होता है पतली झिल्ली में इसे बोलते हैं इन टाइम। आप देखिएगा इसमें एगुणित एनियमित आकार, एनियमित आकार का क्या होता है, कई केंद्र होता है, कायिक केंद्रक, और इसी में ये सब कोशिका होता है, ये कोशिकाएं होती हैं, अगर कायिक कोशिका कहलाती है पूरी कायिक कोशिका। वेजिटेटिव सेल कायिक कोशिका, और इस कायिक कोशिका के जीवरम में तर्कुरूपी क्या होती है, जनन कोशिका। जनन कोशिका होती है, इसलिए जनन केंद्र होता है, जनन केंद्र होती है जनन कोशिका। कैसे होती है, तर्कुरूपी और इसके अंदर ये जनन केंद्र और ये होती है रेटिनाएं। इसका कोशिका द्रव्य। तो हमने आपको बाह्य चोल और अंत्य चोल के बारे में अवगत करा दिया था। फिर किससे सी बनी होती है बाह्य चोल, ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था कि बाह्य चोल किसकी बनी होती है, कठोर पदार्थ स्पोरोपोरिन की बनी होती है, इसीलिए यह दृढ़ और प्रतिरोधी होती है, और इस स्पोरोपोरिन के कारण ही पराग कण लंबे समय तक संरक्षित पाए जाते हैं। अंत्यचोल, ध्यान दीजिएगा, अंत्यचोल सेलुलोज पेक्टिन की बनी होती है, जिसे क्या बोलते हैं पेक्टोसेलुलोज। यह पतला झिल्ली परत होती है, ध्यान दीजिएगा।
वे स्थान जहां पर स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है सहगामी ग्रंथि कहलाते हैं। तो देखेंगे आप कि पराग कण की बाह्य झोल में कुछ स्थानों पर स्पोरोपोलिन क्या होता है अनुपस्थित होता है। यहां पर देखेंगे गेम दिखाई दे रहे हैं आपको चित्रनुमा इस डायग्राम में। यहां पर क्या है केवल क्या दिखाई दे रही है अंतःझोल, यहां पर बाह्य झोल नहीं है। तो पराग कण की बाह्य झोल में कुछ स्थानों पर स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है। ये स्थान या छिद्र ये खांच के रूप में होते हैं, छिद्र या खांच के रूप में होते हैं जिन्हें धर्म छिद्र या जर्म कोर कहते हैं। अब देखिएगा इसके बारे में आप देखें धर्म छिद्र के बारे में कि पराग कण की बाह्य पराग कण की बाह्य जो एक्साइल बाह्य झोल में कुछ स्थानों पर स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है या अनुपस्थित होती है। बात यह कि अनुपस्थित होता है, ध्यान देना कि पराग कण की बाह्य झोल में कुछ स्थानों पर स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है, ध्यान देना। ये स्थान एक छिद्र या खांच एक छिद्र या खांच के रूप में होते हैं जिन्हें जनन छिद्र जर्म कोर कहते हैं। बताइएगा डायग्राम के अंदर कि ये बाह्य झोल है और बाह्य झोल कुछ स्थानों पर क्या है पूरी नहीं है अर्थात खांच के रूप में होती है, ध्यान देना, और इन स्थानों पर स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है। तो इस डायग्राम में आपको तीन जनन छिद्र दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। तो क्या है कि पराग कण की बाह्य झोल में कुछ स्थानों पर स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है। ये स्थान एक छिद्र या खांच के रूप में होते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं, ध्यान देना। आगे क्या होता है जब पराग कण, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, कल मैंने आपको जो हेडिंग डाला था उसमें परागण था, पराग कण कर लेना उसको, ध्यान दीजिएगा। पिछली वीडियो था ना पराग कण की संरचना, उसमें परागण हो गया गलती से, ध्यान देना। तो पराग कण की संरचना पढ़ रहे हैं हम, ध्यान देना, पराग कण की संरचना। तो देखिएगा जो ये जनन छिद्र होते हैं, जनन छिद्रों से क्या होता है पराग अंकुरण के समय, पराग अंकुरण जब पराग कण वर्तिकागर पर अंकुरित होते हैं तो इन जनन छिद्रों से अंतःझोल पराग नलिका के रूप में बाहर निकलती है, पराग नलिका के रूप में बाहर निकलती है, ध्यान देना। इसमें देखिए इन्हीं जनन छिद्रों से पराग अंकुरण के समय अंतःझोल पराग अंकुरण के समय अंतःझोल पराग नलिका के रूप में बाहर निकलती है। किसके रूप में बाहर निकलती है? पराग नलिका के रूप में बाहर निकलती है, ध्यान देना। तो देखिएगा सामान्यतः द्विबीजपत्री
संबंधी डाइकॉट प्लांट्स सामान्यतः द्विबीज पत्री पादपों के परागकणों पर तीन जनन छिद्र और एक द्विपत्री पदार्थ सॉरी पादपों और एक द्विपत्री पादप मोनोकॉट प्लांट पर एक जनन छिद्र पाया जाता है। तो देखिएगा मेरा को जाता है इन्हीं जनन छिद्रों से पराग अंकुरण के समय जब वर्तिकाग्र पर पराग अंकुरित होता है परागकण अंकुरित होते हैं तो इन जनन छिद्रों से अंत्यचोल पराग नलिका के रूप में बाहर निकलती है। आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट इसमें जनन छिद्र में कि सामान्यतः तो देखिएगा सामान्यतः द्विबीजपत्री पादपों कौन से पादप द्विबीजपत्री पादप डाइकॉट प्लांट द्विबीजपत्री पादपों के परागकणों द्विबीजपत्री पादपों के परागकणों परागकणों पर तीन जनन छिद्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं तीन जनन छिद्र पाए जाते हैं और एक द्विपत्री और एक बीजपत्री मोनोकॉट पादप और एक बीजपत्री पादपों के जनन छिद्रों पर एक द्विपत्री पादपों के परागकणों सॉरी एक द्विपत्री पादपों के परागकणों पर एक जनन छिद्र पाया जाता है एक जनन छिद्र पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा तो पादप द्विपत्री की उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं द्विबीजपत्री पादप और एकबीजपत्री पादप। ध्यान दीजिएगा द्विबीजपत्री पादपों के परागकणों के परागकणों पर क्या होते हैं या द्विबीजपत्री पादपों के परागकणों की बाह्य चोल में तीन जनन छिद्र पाए जाते हैं। कितने तीन जबकि एक द्विबीजपत्री पादपों के परागकणों की बाह्य चोल में एक जनन छिद्र पाया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा हमने आपको बताया था कि तो ये परागकण है कौन सा है परागकण दो कोश की अवस्था हो गई है हम द्विपी केंद्र कह सकते हैं इसको एक कायम केंद्र है और दूसरा जनन केंद्र है और द्विपी कोश की अवस्था जो मैंने बताया था दो टाइम करके ये होती है। ध्यान दीजिएगा जैसे मान लिया आपको मैंने अलग करके बता दिया ये होती है कायम कोशिका ये वाली और कायम कोशिका के जो जीव द्रव होता है उसमें जनन कोशिका तैरती रहती है तो ये द्विपी कोशिकीय परागकण है या द्विपी केंद्रकीय परागकण ध्यान देना तो ध्यान देना 60% पादपों 60% 60 नोट करते देखो गया ध्यान देना कि 60% पादपों के या 60% से अधिक पुष्पीय पादपों के परागकण दो कोशिकीय या द्विकेंद्रकीय अवस्था में परागित होते हैं। कौन से अवस्था में इस अवस्था में परागित होते हैं जबकि शेष 40% पादप प्रजातियों के परागकण परागित होने से पूर्व दो नर युग्मकों का निर्माण करते हैं अर्थात तीन चरणीय अवस्था में परागित होते हैं। तो आप देखेंगे इसको नोट रूप में लिखें और इम्पोर्टेंट है नोट करके पहला नोट कि 60% कितने परसेंट 60% 60% से अधिक
60% से अधिक पुष्पीय पादपों, कौन से पादप? पुष्पीय पादपों 60% से अधिक पुष्पीय पादपों के परागण, पुष्पीय पादपों के परागण दो कोशिकीय मतलब द्विकोशिकीय दो कोशिकीय या द्विकेंद्रीय द्विकेंद्रीय दो कोशिकीय या द्विकेंद्रीय अवस्था में परागित होते हैं, कौन से अवस्था परागित होते हैं? द्विकोशिकीय या द्विकेंद्रीय अवस्था में परागित होते हैं, जबकि अगर लिखे जबकि 40% पादप प्रजातियां, जबकि शेष पादप प्रजातियों के परागण पादप प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो नर युग्मकों किनका विभाजित होकर दो नर युग्मकों का निर्माण करती है, दो नर युग्मकों को निर्माण करती है, कब? थोड़ा चेंज करेंगे आपकी 40% पादप प्रजातियों में जन्म कोशिका संस्कृति वजन द्वारा दो नर युग्मक निर्माण करती है, यहां पर हम करेंगे इसको चेंज करेंगे इसको संस्कृति वजन द्वारा विभाजित होकर पराग कणों के पराग दोष पूर्व में आकर थोड़ा सा तो चेंज करो इसको होकर पराग कणों के परागित होने से पूर्व दो नर युग्मकों कितना जोड़ गए आप दो नर युग्मकों का निर्माण करती है अर्थात पराग क्या कहते हैं तीन चरण तीन केंद्रीय ये जो जनन कोशिका है ध्यान देंगे ये जनन कोशिका ध्यान देंगे इसको जनन कोशिका संसूति विभाजन द्वारा कब परागण होने से पूर्व मतलब पराग कणों के परागित होने से पहले ध्यान देना क्या करेगी संसूति विभाजन द्वारा एगुणित है जनन कोशिका कैसी होती है एगुणित और ये भी क्या होती है कायिक कोशिका एगुणित एगुणित जनन कोशिका में केंद्र दिया हुआ एगुणित होगा पहले हमने बता दिया था आपको कि परागण क्या होता है एगुणित और एगुणित अवस्था जो होती है समसूत्री विभाजन द्वारा परागित होकर के समान प्रकार की कोशिकाएं बनाती है अर्थात दो नर युग्मकों का निर्माण होता है आप देखिएगा कितने परसेंट पादपों में 40% में
जबकि 60 से अधिक परसेंट 60 से अधिक परसेंट पुष्प प्रजातियों में द्विकोशिकीय अवस्था में ही परागकणों क्या होता है, परागण होता है, अर्थात परागकण पुष्प के वर्तिकाग पर पहुंच जाते हैं। अब ध्यान देना दूसरा नोट क्या है, देखो ध्यान से, दूसरा नोट में आपके कि कायिक कोशिका जो ये पूरी कायिक कोशिका है, कायिक कोशिका के जो कोशिका द्रव्य उसमें द्रव्य कोशिका तैरती रहती है, तो पूरी कायिक कोशिका या हम ये कहते हैं अंत्यछोर, ये पतली झिल्लियों पर होती है अंत्यछोर, इन टाइम ये अंत्यछोर है भाई, ये अंत्यछोर क्या करेगी जब परागकण क्या होते हैं, जब परागकण परागित होकर उसके वर्तिकाग पर पहुंचते हैं तो उसके वर्तिकाग पर इनको पोषण प्राप्त होता है, पोषण प्राप्त करके ये अलग अलग फूल लाते हैं और फूल करके जो पराग ये जो कायिक कोशिका है वो पराग नलिका के रूप में क्या होती है, इस प्रकार क्या हो जाती है, निष्कर्षित होती है, इसमें इसका केंद्र कहा जाता है, इसका पराग कायिक केंद्र, इस प्रकार अंत्यछोर से नाम देखें, देखिए दूसरा जो पॉइंट है, देखिए कि कायिक कोशिका हम ये भी कह सकते हैं अंत्यछोर कायिक कोशिका में अंत्यछोर से पराग नलिका का निर्माण होता है, से पराग नलिका पोलेन ट्यूब पराग नलिका का निर्माण होता है, तो प्रश्न आता है कि पराग नलिका का निर्माण परागकण की कौन सी पथ से होता है, अंत्यछोर से। आगे देखिएगा जबकि जनन कोशिका से समसूत्री विभाजन द्वारा दो नर युवकों का निर्माण होता है, दो नर युवकों का निर्माण होता है, अतः एगुणित परागण से क्या बनता है, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, और समझिएगा क्या लिखा है आपको, कायिक कोशिका या अंत्यछोर से पराग नलिका का निर्माण होता है, कायिक कोशिका का क्या कार्य है या अंत्यछोर का क्या कार्य है, केवल पराग नलिका का निर्माण करती है, ये ध्यान देना, जो ये कोशिका होती है इनके अंदर क्या कार्य है इनका, कि कायिक कोशिका जो होती है यह कायिक कोशिका अंत्यछोर क्या बनाती है, पराग नलिका, और इसमें कायिक कोशिका का केंद्र आधार कुछ
उसका द्रव्य आ जाता है और द्रव्य कोशिका क्या करेगी, समसूत्र विभाजन द्वारा विभाजित होकर के दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। अब क्या होता है, ये कहां हो रहा है, पराकण के वर्तिका पर। जब पराकण परागित होकर पुष्प के वर्तिका पर पहुंचते हैं तो पुष्प के वर्तिका पर इनको पोषण प्राप्त होता है, पोषण प्राप्त करके फूल जाते हैं और फूल करके अंतर जोड़ होती है, ये जनन छिद्र करके क्या बनाती है, पराग नलिका बनाती है, पराग नलिका बनाती है। तो पराग नलिका का निर्माण किससे होता है, अंतर जोड़ से। और पराग नलिका का जो कायिक केंद्रक है, ये तो पराग नलिका ये होता है कायिक केंद्रक, कायिक केंद्रक अभी से क्या होते हैं, नलिका केंद्रक, क्योंकि नलिका माना जाता है ये नलिका केंद्रक, ये आगे हम और क्या होंगे, नलिका केंद्रक। और जो होता है कौन सी कोशिका, जठर कोशिका, ये क्या करेगी, विभाजित होकर के दो नए युग्मकों का निर्माण करती है। लेकिन तीन एकल केंद्रक होते हैं, क्या कहना, तो इसको जो अंकुरित पराकण है, अंकुरित पराकण उसे क्या होते हैं, नए युग्मकों फिर कहते हैं, अंकुरित पराकण इस प्रकार का जो पराकण होता है उसे क्या बोलते हैं, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। अतः एकल पराकण से किसका निर्माण हो रहा है, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण हो रहा है, इस प्रकार होता है। अब प्रश्न ये होता है कि नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं, तो ये यहाँ पर आपके पराग कण की जो रचना थी वो कंप्लीट होती है। इसके बाद में अगला जो टॉपिक आपका वो आ जाता है नर युग्मकोद्भिद। प्रश्न बनता है कि नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं, ध्यान देना, पराग कण या लघु बीजाणु, ध्यान देना क्या प्रश्न बनता है कि नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं, लघु बीजाणु या पराकण से नर युग्मकोद्भिद के विकास कैसे होता है, विकास की प्रक्रिया। तो अगला जो टॉपिक आएगा आपका समझ आएगा, नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद। तो इसकी क्या परिभाषा है, ध्यान दीजिएगा, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण किससे होता है, एकुणित पराग कण से, अर्थात अंकुरित, जब पराकण अंकुरित होता है अर्थात उसमें क्या बन जाती है, पराग नलिका। तो अंकुरित पराग कण को क्या बोलते हैं, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो देखिएगा इसकी शॉर्ट परिभाषा क्या है कि अंकुरित पराग कण को, अंकुरित पराग कण को नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। ये सबसे शॉर्ट परिभाषा है इसकी, अंकुरित पराकण को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। अर्थात क्या होता है, पुष्पीय पादपों के जीवन चक्र की वह अवस्था, कौन सी अवस्था होती है, पुष्पीय पादपों के जीवन चक्र की वह एकुणित अवस्था, अर्थात बार देखिए इसको, अर्थात पुष्पीय पादपों के जीवन चक्र की वह एकुणित अवस्था जिसमें एकुणित जनन केंद्रक से, इससे जिसमें एकुणित जनन केंद्रक से समसूत्री विभाजन द्वारा दो नर युग्मकों का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। अब ध्यान देना, तो नर युग्मकोद्भिद कैसे होता है, नर युग्मकोद्भिद सूक्ष्म एकुणित त्रिकेंद्रकीय अल्पकालिक संरचना होती है, मतलब कुछ समय के लिए ही बनती है, ये कौन सी, नर युग्मकोद्भिद। मैं आपको इसको बताऊंगा आगे, तो देखो इसके विस्तार की परिभाषा, शॉर्ट परिभाषा क्या है कि अंकुरित पराकण को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं, अर्थात परागकण नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करने वाली संरचना होती है। अब देखिएगा ध्यान से, अर्थात पुष्पीय पादपों के आगे लिखें अंकुरित पराकण को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं, देखो पुष्पीय पादपों, पुष्पीय पादपों के जीवन चक्र की वह एगुणित अवस्था
अवस्था, वह एवरेज अवस्था, कौन सी अवस्था होती है ये एवरेज अवस्था, उसके पादपों के जीवन चक्र की वह एवरेज अवस्था, जिसमें वह एवरेज अवस्था जिसमें एवरेज जनन केंद्रक, एवरेज जनन केंद्रक से समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन द्वारा दो, समसूत्री विभाजन द्वारा दो नर युग्मकों, दो नर युग्मकों का निर्माण होता है, तो उसे नर युग्मकोद्भिद, तो उसे नर युग्मकोद्भिद कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसे नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। ध्यान दीजिए, एक बार दोबारा देखें कि अंकुर परागण को बिल्कुल 100% की अंकुर परागण को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। परागण अंकुरित कब होता है, जब वह परागित होकर के परागण द्वारा वर्तिकांग में पहुंचता है, तो वर्तिकांग से पोषण ग्रहण करता है, और पोषण ग्रहण करेगा तो आकार में वृद्धि करेगा, क्योंकि वर्तिकांग पर पराग कणों के अंकुरण के लिए एक पोषक माध्यम पाया जाता है। ध्यान देना, जो ग्लूकोज बेंजीन बोरॉन तत्व आदि का बना होता है, अब यह परागण अंकुरित करके बड़ा हो जाता है, तो क्या होता है, दबाव पड़ता है आंतरिक अंत्यचोल पर, अंत्यचोल ग्रंथि से बाहर निकलती है, और क्या बनाती है, पराग नलिका। इस पराग नलिका में क्या जाता है, सबसे पहले कायिक केंद्रक आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नलिका केंद्रक, उसके बाद में क्या आता है, जनन कोशिका, और जनन कोशिका का जनन केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के क्या बनाता है, दो नर युग्मकों का निर्माण करता है। इस प्रकार ये कैसे वस्तु हो जाती है, त्रिकेंद्रकीय, त्रिकेंद्रकीय क्या, कैसे, एक नलिका केंद्रक और दो नर युग्मकों के केंद्रक, त्रिकेंद्रकीय जो संरचना होती है, त्रिकेंद्रकीय एगणित सूक्ष्म अल्पकालिक संरचना कहलाती है, नर युग्मकोद्भिद कहलाती है। ध्यान देना, ये तो बताया, आगे डायग्राम द्वारा बताऊंगा आप दोस्तों कि अंकुरित परागकण को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं, अर्थात पुष्पीय पादपों के जीवन चक्र, पूरे जीवन चक्र की वह एगणित अवस्था, पुष्पीय पादपों के जीवन चक्र की वह एगणित अवस्था जिसमें द्वारा दो नर युग्मकों का निर्माण होता है, तो उसे नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। आगे देखिएगा, नर युग्मकोद्भिद नर युग्मकोद्भिद सूक्ष्म, नर युग्मकोद्भिद सूक्ष्म एवरेज त्रिकेंद्रकीय एवं अल्पकालिक, एवं अल्पकालिक संरचना होती है, ऐसे होती है नर युग्मकोद्भिद सूक्ष्म एगणित हेप्लॉइड त्रिकेंद्रकीय एवं अल्पकालिक, उस समय के लिए अल्पकालिक संरचना होती है। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देना, लघु बीजाणु, ध्यान दीजिएगा, लघु बीजाणु या परागकण से नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। डाली अरे लघु बीजाणु प्रकरण में परागकण, ये कह सकते हैं लघु बीजाणु है, लघु बीजाणु प्रकरण में परागकण से नर युग्मकोद्भिद, से नर युग्मकोद्भिद का विकास, से नर युग्मकोद्भिद
का विकास, ये हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।